और 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए। पाकिस्तान का मैच हो रहा है अफगानिस्तान के साथ और आप देख सकते हैं कि लोगों के दिलों में इतनी मोहब्बत है कि ये अपने घर वालों को छोड़ के यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम क्या आज इनकी मोहब्बत की लाज रखेगी या नहीं रखेगी? ये बाबर आजम ने क्या कर दिया मेरे भाई, मुझे बताओ ना यार, इसके गम में ये पीनी पड़ रही, पी तो मैं ड्यू रहा हूँ। ये ड्यू नहीं है? नहीं, लेकिन ड्यू है, ये कुछ और है। अब अफगानिस्तान ऐसे मारेंगे ना आपको, 100 साल याद रखोगे। क्या मुंह दिखाओगे, किसको क्या मुंह दिखाओगे तुम, मुझे बताओ। हालांकि कहते हैं कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने क्रिकेट सिखाई है, तो आपको ऐसे पलट के पीछे दिए ना, तो आप जिंदगी भर याद रखोगे। अभी यार क्रिकेट जान है हमारी, हमने भी क्रिकेट खेली है, हमने कस्टम पे भी क्रिकेट खेली है भाई, मैंने एओ से भी खेला है, मैंने राशिद लतीफ से भी खेला है, सब जगह से खेला है। आपने अपने इस जिस्म के साथ क्रिकेट खेली है? सीरियस में बहुत खेली है। उनका ओपनर देखो और अपने देखो, आज अब्दुल्ला शफीक ने पूरा 2023 के साल में 2 छक्के मारे आज, और इमामुल्लाह क्या कर रहा है, उसकी जिंदगी पे लानत है जो इमामुल्लाह को खिलाता है और जो प्लेयर मानता है उस पे मुंह पे लानत है। जो बाबर आजम को किंग बोलते हैं ना, उस पे मैं थूक करता हूँ, बैट जो थू उस पे, जो लानत जिसको बाबर आजम को किंग बोलते हैं ना, उसको थू करता हूँ। 90 बॉलों पे 80 मारा है यार, पाकिस्तान किंग कहता है बाबर को, उस पे मैं पूरे पाकिस्तान में जो बाबर आजम को किंग बोलते हैं ना, उस पे मैं थू ओ थो, गधे को बाप बनाते हो तुम लोग यार। इस बंदे को तुमने वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया भेजा है यार, जो 2 टके का है यार। ऐसे कैप्टन होते हैं, कैप्टन तो 92 के कैप्टन था भाई, इमरान खान साहब। नाम नहीं लो, अंदर हो जाओगे तुम। सॉरी यार, जो बात है सच, बाबर की आपने आज कवर ड्राइव देखी? मैंने उस दिन भी बोला बाबर आजम पे जो किंग बोलता है, और बाबर आजम की जो तारीफ करता है ना, उस पर भी लानत है, और बाबर आजम को जो किंग मानता है उस पर भी लानत है। मैं बाबर आजम को 2 टके का प्लेयर नहीं मानता, उसके ऊपर लानत है बाबर आजम को जो इस तरह टीम लेके गया। अब उससे ज़्यादा नहीं पूछना बाबर आजम के बारे में, मेरे से नहीं पूछना, मैं और गालियाँ दूंगा। यार खून खोलता है यार, हम लोग मैच देखते हैं यार, मैच हमारी दूसरी बीवी है। अभी आपकी थोड़ी देर में आपकी बीवी की इज्जत लूटने वाली है। क्या करूँ मैं, मार दूंगा गोली, खत्म करो मैच को। मैं तो आज से समझो ये वर्ल्ड कप आखिरी है, इसके बाद मैच से बायकॉट है मेरा, नहीं देखूंगा मैं। 3 बार तलाक देते हैं बाबर आजम, तलाक तलाक तलाक। और दूसरी बात, जो कमेंट करते हैं ना बाबर आजम किन है ना, उसको घर लेके जाए, बाबर आजम को घर के लेके जाए, जो बोलता है किंग है, जो बंदा बोलता है ना किंग है बाबर आजम, किंग नहीं है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूँ, ऐसे ऐसे गाली दूँ ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। ये गाली नहीं देनी, ये गधों से भी बदतर है, गधे भी तो बोल सकते हैं ना, गधों से भी बदतर है। अब ये हो गया मैच हाई टेंशन, 20 बॉलों में चाहिए 14 रन, और ये देखो ये क्या हो रहा है, देखो जरा, ये कहीं से क्या बोल रहे हैं आप, कुर्सी नजर नहीं आ रही है। आप बड़ी कुर्सी ले लेंगे क्योंकि आपकी भी बड़ी है, तो है ना, क्या कर सकते हैं। बाबर का जो फेल होगा ना, उस पे लानत होगा। अब इस किस कारकर्दगी के बाद आपको लगता है बाबर का कोई फैन होना चाहिए? मैं आप साथ नहीं दूंगा। तो आप पहले साथ देते थे, आपको शर्म भी आनी, आपको भी चाहिए यार, आप उसका साथ दे रहे हो यार। बताओ कि आज मोहम्मद आमिर की याद आ रही है? बहुत आ रही है, बहुत आ रही है ना। पर एक कश्ती है, उसमें एक आपका जानी दुश्मन बैठा हुआ है, और उसके साथ बाबर बैठा हुआ है, आप किसको बचाएंगे? मैं जानी दुश्मन को बचाऊंगा, मैं बाबर को लात मार दूंगा। इसने पाकिस्तान का गर्व किया भाई, वो तो जानी दुश्मन मेरा है ना, मुझे मार देगा ना, ये तो पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। इतनी नफरत बाबर से यार, बाबर से इतनी नफरत है ना, इतनी नफरत, मेरे क्या बोलूं, कभी इंडिया जीतेगी भाई, अफगानिस्तान कभी नहीं जीत सकती, अगले साल जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे पैसा पैसे देंगे, देख लेना। आप क्या बोल रहे हैं, अफगानिस्तान बिक जाएगा? मैं कह रहा हूं फाइनल में जाएगा ना, फाइनल में ये अफगानिस्तान बिक जाएगा, फाइनल में गए इंडिया नहीं बिका है, पाकिस्तान उस दिन नहीं बिका है। आप इतना उदास थे आज कि आज आपने ड्रिंक कर ली? कभी मैंने अपनी जिंदगी में ड्रिंक नहीं करी है, लेकिन अब करनी पड़ी है इन कमबख्तों की वजह से। क्रिकेट को लोग इतना दिल से लगा लेते हैं कि इस शरीफ इंसान ने आज क्या बोलूं वो चीज पी ली जो हराम है, क्या करें यार, बताओ ना क्या करें। और अगर अभी भी पाकिस्तान जीत जाता है फिर क्या होगा? फिर क्या, अगर आप पाकिस्तान जीता ना, फिर तालिबान को क्या चाहिए, या अफगानिस्तान टीम को ले और डड़ाडड़ मार दे, इतना बेगैरत भी नहीं है वो यार, क्या हो गया यार, मतलब अफगानिस्तान जीतेगा तो जाहिर सी बात है 100% वो, अगर तो फिर मैं मार दूंगा इनको, अफगानियों को, अगर इतने बेगैरत निकले तो। हमारी तरह बेगैरत नहीं, हो गैरत है, अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, देश के लिए, दोस्ती यारी के लिए नहीं खेलते हैं। एक मिनट, मैं आपकी बात काटूं, ये अफगानिस्तान से नहीं जीते, ये अगले मैचों में झक मारेंगे, ये क्या करेंगे, इनको डूब मरना चाहिए।
मैं यही बोलूंगा इनको डूब मरना चाहिए। मैं बोलता हूँ इमामुल हक को गाय का पेशाब पिला के लाओ। नहीं 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 पिलाओ। आप भी खुश हो रहे हो? दलील कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कही इसने। गाय का पेशाब थोड़ी है उसको, मैं तुम्हें इमाम को जो भी ऐसी परफॉर्मेंस, इनको गाय की पेशाब बोलते हैं, इनको गोली मार देनी चाहिए यार। इस तरह परफॉर्मेंस ये पाकिस्तान का आवाम है यार। अगर आप अभी इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते और ये टीम वापस आती क्या करते? मैं इनको बुलाता, समंदर ले जाता, वही किश्ती डुबाता। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है भाई। पाकिस्तान पे बाबर आजम पे थू है यार, बाबर के बाद थू है उसपे, ऊपर थू लानत है उसकी जिंदगी पे ऊपर। उसको इस बात के अलावा ना मरना चाहिए। इतना खिलाफ तो ना बोलो सर, इतना खिलाफ नहीं बोलो। इज्जत उसको इज्जत किसने दी? अल्लाह ताला ने दिया। अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। अल्लाह ताला इज्जत इज्जत दिया ना। ये ले देखो सर, देखे ना सर, इज्जत से बात करनी चाहिए नहीं चाहिए? ईमानदारी से बात करनी चाहिए। की जगह बनती थी आमिर की? बनती थी हाँ, आमिर की बनती थी। मेरा जाहिर सी बात है, आमिर की। क्यों लेके आई अपने बाप को? इसका बाप है हसन अली? ये पाकिस्तान टीम क्या है या बाबर आजम की बाप की टीम है? आप बाबर को कह रहे हैं? हाँ, लेकिन बाबर को आप जिंदगी मौत की बद्दुआ तो नहीं दो यार? जिंदगी मौत की बद्दुआ? ये हमारी मौतों के जिंदगी साथ खेल रहा है यार, क्या बात कर रहे हो यार? वो लड़की देखो कितनी प्यारी है। कैप्टन ये होता है, कैप्टन ये इनिंग खेल के गया, वो जिता के गया, दुनिया का नंबर वन बॉलर के ऊपर चमाट मार के गया उसने। यार आप तालियां बजा रहे हो, पाकिस्तान हार गया है। सर मैं खुशी होकर बजा रहा हूँ भाई, ये तो गेम स्पिरिट होनी चाहिए ना। इन बेगैरतों के लिए हम तालियां बजाएंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे इन बेगैरतों के लिए। पाकिस्तानी है ना हम लोग सारे, हारते तो हम लोग का दिल टूटता है। लोग तो इंडिया अगर हार जाए ना तो वो लोग टीवी तोड़ते हैं। ये इस बंदे ने एक बात बोली है ना, सारे पंजाबी के बात चल रही है ना, ये बात पे मैं भी एग्री करता हूँ। मैं भी पंजाबी हूँ सर। जो बात है, आप जो भी है पंजाबी है ना, मैं जैसे उर्दू बोल रहा हूँ, आपको कुछ दिनों में मैं इतना अच्छा लगूंगा कि आप अपने कंधे पे बिठाओगे, फिर कंधे के बाद आप अपने सर पे बिठाओगे, सर के बाद कहीं और बिठा लेंगे। नहीं नहीं, ये गलत बात है यार। अगर वो भी देख रहा होगा उसको दुख होगा बाबर। यार उसको दुखो, बगैरत उसको दुख होगा। वो बगैरत है, हमारे हमें दुख नहीं हुआ, हम अपने कारोबार छोड़ के आए हैं, हमें दुख नहीं हुआ। अच्छी आप साथ देंगे बाबर का? मैं इस बच्चे के साथ, हम उसके साथ देंगे बात अच्छी है। बच्चा नहीं है वो, एक दिन उसके साथ सो जाओ, एक और बच्चा आ जाएगा। छोड़ो तो बाबर, तुम्हारी अभी फीडर पीने की उम्र है, क्रिकेट खेलने की उम्र नहीं है। सीख कर आओ क्रिकेट पहले जाके। तुमने दुबई में जो तुमने इंडिया को हराया था ना, हम तुम्हारे जब से फैन थे, लेकिन अब हमारे फैन नहीं रहे सर। उसके पीछे हमारे और हाथ था, इसकी वजह से आप आज अफगानिस्तान से हारे हो। इनको डूब मरना चाहिए, अवाम को इन्होंने लड़कार दिया है। अब लगता है अवाम टीवी के आगे तो नहीं बैठेगी। मैं यही कहूँगा यार।